जैसा कि हम सभी को पता है कि करण जौहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद करण जौहर की जमकर ट्रोलिंग भी की जा रही है। लोग करण जौहर को लेकर ऐसी सी बातें लिख रहे हैं जो शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी लोगों ने ना लिखी हो। यानी कि सुशांत की मौत के बाद से लेकर अब करण के फिल्म से बाहर निकाले जाने तक करण जौहर की वापस से ट्रोलिंग की दुनिया में एंट्री हो चुकी है। उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कंगना रनौत ने तो यहां तक कर दिया कि इस चंगू करण जौहर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक आर्यन अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से यहां तक पहुंचा है, वो आगे भी अपना रास्ता तय कर लेगा, लेकिन उसे इतना परेशान मत करो कि उसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो तुमने किया था वही कार्तिक आर्यन के साथ भी करो। देखिए, सही वजह का तो पता नहीं चल सका था कि कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से क्यों निकाला गया, इसकी जानकारी धर्मा प्रोडक्शन ने भी नहीं दी थी। बस ये बात पता चली कि कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर निकाल दिया गया और साथ में धर्मा प्रोडक्शन की एक और फिल्म थी उससे भी बाहर का रास्ता। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि जानवी कपूर के साथ कार्तिक आर्यन, इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिसके चलते शूटिंग में डिले हो रहा था और उसके बाद करण जौहर ने ये फैसला किया कि कार्तिक आर्यन को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। यानी जानवी कपूर का घमंड कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा रास्ता साबित हुआ। अब सोच लीजिए, जानवी कपूर एक नेपो किड्स है, जिसके अंदर ना एक्टिंग का कोई तरीका है, ना डायलॉग ढंग से बोल पाती है, ना हिंदी ठीक तरीके से बोलने आती है, लेकिन भाई कपूर खानदान की है तो इसलिए फिल्म मिल जाती है। और जब कार्तिक आर्यन के साथ नहीं जमी तो जानवी कपूर ने अपना खेल खेल ही दिया। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि कार्तिक आर्यन की जगह पर वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर विकी कौशल को लिया जा सकता है। अब सोच लीजिए, घूम फिर कर मतलब जो आउटसाइडर कलाकार था उसे बाहर निकाल दिया गया, अब नेपो किड्स को इस फिल्म में लाने का काम किया जा रहा है। देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब उस वक्त हमने अपनी वीडियो में ये कहा था कि अभी ये बॉलीवुड के सितारे शांत रहेंगे, 6 महीने, 4 महीने, साल भर शांत रहेंगे और अपने घमंड को भी बगल में रखेंगे। जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला शांत नहीं हो जाता, उसके बाद ये वापस से अपनी औकात में दिख ही जाएंगे। और वही हुआ, फिर से वही घमंड, वही राजनीति, वही गंदी हरकतें, वही नफरत, और इसी चीज ने बॉलीवुड का सत्यानाश करके रख दिया है। अगर बॉलीवुड का सत्यानाश नहीं हो रहा होता तो बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकार साउथ फिल्मों में जाकर काम नहीं करते। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।